में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमानी। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से। दरअसल उत्तर प्रदेश में अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने इस बड़े बयान को देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो काफी ज्यादा राजनीतिक माहौल को गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पहुंचते ही उन्होंने अहोरवा में माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई या फिर उसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो एक तरीके से माना जा रहा है कि नामकरण को लेकर के एक बड़ा कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ऐलान करती नजर आई। केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को दिल्ली से विमान द्वारा लखनऊ पहुंची। वहां से सीधे तिलोई के सिंहपुर स्थित माता होरवा भवानी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। लेकिन अब उनके द्वारा जो ये बात कही जा रही है कि नाम को लेकर के यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी इस वक्त 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम पक्ष जो हैं वो रखती हुई नजर आ रही है। और नाम को लेकर के उन्होंने रेल मंत्री से लेकर के तमाम विभागीय जो है बड़े चेहरों के बारे में ये कहा कि उन्हें आश्वासन है कि नामकरण जरूर किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने सभी बड़े पदाधिकारियों से कहीं ना कहीं मांग भी की है। अब इस मामले को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीति और भी ज्यादा गर्मा सकती है, जिसकी स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पर बनती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रही बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।